ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଖାଲି ସେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଗୀତ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗୀତ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବ, ଆଜି ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଅଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ନୂଆ କିଛି ଗୀତ ଲେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ୍ୟା କହିଙ୍ଗେ, ନୟା ଗାନା କ୍ୟା କ୍ୟା ଲିଖା ହେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ଲିଏ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍? ଦେଖିଏ, ସବସେ ପହେଲେ ତ ହମେ 2019 କା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସେ ହିସାବ ଚୁକ୍ତା କରନା ହେ। 2019 ମେ ଯୋ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନେ ହମେ ଘାଉ ଦିଏ ଥେ, ଉସକି ଠେସ ଆଜ ତକ ଦିଲ ମେ ହେ। और उस हिसाब का आज हम न्यूजीलैंड वालों से पिछला हिसाब कर लेंगे चुकता, आज हम न्यूजीलैंड वालों से पिछली हार का हिसाब कर लेंगे चुकता। और अपना नाम है शुभम गुप्ता, और न्यूजीलैंड वालों ने जो हमें हार के लिए ठेस दी थी, न्यूजीलैंड वालों के लिए दोस्त सब सुना देते हैं हम। न्यूजीलैंड वालों से हम हैं क्यों घबराएं, अपना किंग कोहली तो बड़े मैच में जलवा दिखाए, लेके तिरंगा मेरे साथ चलो अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद, चलो लड्डू बनवा लो तुम, टीम इंडिया वर्ल्ड कप लाएगी, हिटमैन की फौज ये किसी से ना रुक पाएगी, लेके दिल में विश्वास चलो अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद, चलो। उत्तर वाला जो गाना था वो क्या है? हिटमैन निकले वो अपनी फौज लेके, हो 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 हो, हिटमैन निकले अपनी फौज लेके मैदान पर, क्रिकेट की पिच पर बड़ी बड़ी टीमें आई, टीम इंडिया ना किसी से रुक पाई, हिटमैन के छक्के देखे हमने, कोहली शतक पे शतक हैं ठोक रहे, सुमन गिल के संग मिल करके राहुल अय्यर रन हैं जोड़ रहे, मैदान पर क्रिकेट की पिच पर सूर्या अपना तूफान मचाए, टीम इंडिया ना किसी से रुक पाए, बुमराह का जलवा देखा हमने, समी बिरंग में दौड़ रहे सिराज अपनी बोले। जो जो देखा कुछ चाहिए टीम इंडिया दर्शक मैंने अच्छा जोश आम देखा पाऊ भैया, क्या कहेंगे? हाउ द जोश? हाय सर, क्या कहेंगे? जीत रहे हैं आज? जीत रहे, बिल्कुल जीत रहे। सवाल ही कैसे आपका, जीतना तो है। आज बदला लेंगे, आज बदला, पूरा बदला लिया जाएगा। 2019 का बदला लेंगे आज, मैनचेस्टर का बदला मुंबई में लेंगे, सालों साल का, हर साल का, जितनी बार भी का अभी है, सबका बदला लेंगे आज। आज सब एक नारा चाहिए, हमारा कप्तान कैसा है? रोहित शर्मा जैसा है। एक बार बोलिए, हमारा कैप्टन जैसा है? रोहित शर्मा जैसा है। अच्छा, तो स्टेडियम में आज सुनने को मिलेगा, रोहित तुम बॉलिंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल सुनने मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अभी भी सुना देंगे। स्टार्टिंग के विकेट बुमराह सिराज निकाल लेंगे, उसके बाद रोहित शर्मा आके बाकी सब शॉर्ट कर देगा। मैडम कितने एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड है भाई, आज तो जीतना है कुछ भी करके। कोई खतरा नहीं है, उनके पास अच्छा बॉलिंग अटैक है, कोई खतरा नहीं है इंडिया के लिए। किसी के पास कितना भी अच्छा, हमारे पास बेस्ट है भाई, बेस्ट है। आज कोहली को बैटिंग नहीं मिल रही है बेचारा, 50 सेंचुरी के ओपनर्स आउट ही नहीं हो रहे आज। आज ओपनर आज नहीं होंगे। अच्छा, चीयर हो जाए एक टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, 1 2 3 इंडिया। कन्फर्म हो गया अहमदाबाद के लिए? बिल्कुल, हमने ऑलरेडी लेके रखा है। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ଜୋଶ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାରା ସବୁଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ୟାନ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, କିଛି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିକି ଜେଠାଲାଲର ସେମାନେ ସପୋର୍ଟର, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାରକ ମେହେଟାକ ଉଲ୍ଟା ଚଷମା ଜେଠାଲାଲର ସପୋର୍ଟର, ଏବଂ ସେମାନେ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଜେଠା କେ ଯାବା से जीपीएल 3 जिताया था जेठालाल ने, वैसे ही रोहित शर्मा जिताएगी टीम इंडिया को। हाँ। और हम लोग हर एक फील्ड पे जैसे बाबूजी डांस कर रहे थे, हर एक मारेगा तब हम डांस करेंगे, ये देख। हर एक सिक्स पे हम जेठालाल जैसे डांस करेंगे। ये बात। और क्या करने को इरादा है? और बहुत कुछ करेंगे, हमने बहुत सारा बनाया है, हमने सब करेंगे। हाँ। अच्छा, ये क्या है? टीम जीतने के लिए हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे।
रुचिकर देखे सबका उम्मीद है इस बार जो धोनी का जो रन आउट 2019 जो वर्ल्ड कप को धोनी का रन आउट उसका बदला टीम इंडिया आज लेगा तो क्या कहेंगे भैया कितना कॉन्फिडेंट हो आज बदला पूरा होगा 1000% आज पूरा इंडिया जीतने वाला है अच्छा। जितना भी टारगेट हो अपना बैटिंग लाइन बेस्ट इन द वर्ल्ड है बॉलिंग तो है बैटिंग के बारे में सब बोल रहे हैं लेकिन बॉलिंग के बारे में एक बोलना चाहिए रहा था अभी बड़े मियां आ गया है बॉलिंग के अंदर हमारे मियां मैजिक है मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी है जब तक हमारे पास मोहम्मद सिराज और शमी है ना तो कोई बॉलिंग को भी टक्कर नहीं दे सकता है ओडीआई का नंबर वन बेस्ट बॉलर है अच्छा, मोहम्मद सिराज जाड्डू के सामने कोई झाड्डू नहीं मार पाएगा जो मारेगा एलबीडब्ल्यू आउट बोल्ड हो जाएगा जो भी ट्राई करेगा एक ही बात सूर्य दादा इंडिया का 360 अच्छा ठीक है इंडिया का एबी डिविलियर्स है वो इंडिया का एबी डिविलियर्स है वो इंडिया का एबी डिविलियर्स तो जा रहे हैं हम फाइनल के लिए अहमदाबाद अहमदाबाद में देखिए फाइनल खेलेंगे इस बार ट्रॉफी ला रहे हैं फैन मान जोश जो भाव समस्त उत्साह जितबो क्या अच्छा खेलेगा अरे आज रोहित शर्मा सबसे अच्छा खेलेगा ओपनर बैट्समैन रोहित शर्मा पूरा अच्छा खेलेगा रोहित शर्मा सबसे अच्छा गिल क्यों अच्छा खेलेगा सब ही अच्छा खेलेगा शोभन गिल आज खेल दिखाएंगे दिखाएगा हाँ जी उम्मीद है इंडिया 11 के 11 इंडिया 11 सब अच्छा मैच इंडिया जीतेगी 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 कोई खतरा नहीं है उनके पास बहुत तगड़े बॉलिंग अटैक है ट्रेंट बोल्ट है अपने पास उनका तोड़ बुमराह इंडिया जीतेगी मोहम्मद सिराज मोहम्मद शमी कुलदीप यादव जडेजा तेंदुलकर का होम ग्राउंड में तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटेगा बात रिकॉर्ड की नहीं है विराट सर ने कहा है तो उनके आदर्श है सचिन सर उनके आदर्श है तो रिकॉर्ड टूटने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे आज बस 50वां हम देखना चाहते हैं विराट सर के बल्ले से भैया हमेशा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आईसीसी टूर्नामेंट दिल टूटता है आज दिल नहीं टूटेगा हम लोग चाहते हैं रिकॉर्ड टूटना चाहिए जदि आपण को आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।